सतवा तहसील के काटापोड़ में किसानों ने महामहिम राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सतवास के काटापोड़ में क्षेत्र के किसानों ने वर्ष 2020 में नष्ट सोयाबीन फसल का बीमा और राहत राशि की तीसरी किस्त के लिए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। नायब तहसीलदार चंद्रशेखर परमार को दिए गए ज्ञापन में किसानों ने बताया कि प्रदेश के अन्नदाता किसानों के द्वारा अनेक बार आवेदन के माध्यम से शासन को अवगत कराया गया है कि वर्ष 2020 में सोयाबीन की फसल संपूर्ण नष्ट हो गई थी और देवास जिले को शासन द्वारा आपदाग्रस्त घोषित किया गया था, मगर आज दिनांक तक 16 माह बीत जाने के बाद भी प्रदेश के अन्नदाता किसानों को बीमा राशि प्राप्त नहीं हो पाई। जबकि किसान बीमा इसलिए करवाता है ताकि उसे आपदा में सहायता प्राप्त हो, लेकिन फसल बीमा प्राप्त करने के लिए शासन के सामने बार बार गुहार लगा रहा है, जबकि फसल बीमा किसानों का अधिकार है जो उन्हें समय पर प्राप्त होना चाहिए ताकि वो अपना भरण पोषण कर सकें। किसान फसल का बीमा प्रतिवर्ष तय समय पर करवाता है और शासन के बीमा एजेंटों के द्वारा घर घर जाकर भी बीमा प्रीमियम जमा कराई जाती है, तो फिर तय समय में बीमा भुगतान क्यों नहीं किया जाता। ज्ञापन में किसानों ने उल्लेख किया कि वर्ष 2020 में नष्ट सोयाबीन की फसल का बीमा तुरंत किसानों को दिया जाए जिससे किसान कर्ज मुक्त हो सके। राहत राशि की दो किस्त शासन से प्राप्त हुई मगर तीसरी किस्त आज तक प्राप्त नहीं हुई। कोरोना काल में किसानों का बिजली बिल माफ किया गया था मगर वो नए बिलों में जुड़कर आ रहा है, इसके समाधान की मांग भी किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से की है। पूरे क्षेत्र के किसान, यहाँ के हमारे गांव के सभी नागरिक किसानों की मांग लेके यहाँ आए हैं। आज किसान कांग्रेस के आह्वान पे हम सभी दल के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए था यहाँ पे और किसानों की आवाज उठाना था, मगर दुर्भाग्य कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है, मगर हम सब आज कांग्रेस के जितने भी हमारे किसान हैं, जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं, सब इकट्ठे होकर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के हम खड़े हैं। उनको उनकी मुआवजा राशि के लिए, उनकी बीमा राशि के लिए जो दो दो साल से पेंडिंग है, जो आज तक नहीं मिल रही है, उसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और जो हमारे किसान अध्यक्ष ने बोला अभी कि अगर और बिजली के बिल जो हमारे पिछले लॉकडाउन से जो माफ होना थे, जो आज तक वो माफ नहीं हुए हैं, तो इन मांगों को लेकर हम इकट्ठे हुए हैं और आज हम ये निवेदन करने आए हैं प्रशासन से कि इन सब मांगों को जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर इसका निराकरण करा जाए। अगर ये निराकरण नहीं करेंगे तो इसकी अगली कार्रवाई में हम इसके आंदोलन करेंगे, या अगर भगवान ना करे अगर मौका दिया गया इस तरह से तो हमको चक्का जाम भी करना पड़ेगा और जेल भी भरना पड़ेगा। तो हम सब किसान भाइयों के साथ हम कांग्रेस की भी हर व्यक्ति जाने को तैयार। काटापोड़ से सुमित शर्मा की रिपोर्ट।